अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूँ निमरा कंवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का मजीद अपार्टमेंट्स बनाने के लिए 15 बिलियन डॉलर का वादा। ट्रूडो का कहना है कि मुनसिफाना नहीं है, बहुत से नौजवान रहने के लिए जगह से महरूम हों। 7 रज़ाकारों की बमबारी से हलाकत की तहकीकात कराई जाएं। कनाडा का इसराइली एलची से एहतजाज। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना है कि इसराइल बैन अल-अक़वामी कानून का एहतराम करे। टोरंटो में गर्म मौसम से पहले जुमेरात को गीली बर्फबारी का इम्कान। शहर का दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। वीकेंड पर शहर में धूप के साथ मामूली गर्म मौसम की पेशनगोई। व्हाइट हाउस की मेज़बानी में इफ्तार पार्टी। बाइडन की इसराइल पॉलिसी पर एहतजाज। मुसलमानों की बड़ी तादाद ने इफ्तार डिनर में शिरकत नहीं की। अमरीकी सदर की अपनी इंतजामिया में शामिल सीनियर मुसलमान अहदेदारों के हमरा मुसलमान रहनुमाओं से मुलाकात। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, PNP एंड PR वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो 15 बिलियन डॉलर के टॉप अप के साथ साथ मौजूदा वफाकी अपार्टमेंट की तामीराती कर्ज के प्रोग्राम टर्बो चार्ज में इस्लाहात का वादा कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अपने बजट से पहले के अखराजात के अहद के दौरे को जारी रखते हुए कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो 15 बिलियन डॉलर के टॉप अप के साथ साथ मौजूदा वफाकी अपार्टमेंट की तामीराती कर्ज के प्रोग्राम ट्रबो चार्ज में इस्लाहात का वादा कर रहे हैं। इस कर्ज की पेशकश से मुतालिक ट्रूडो का कहना है कि वफाकी हुकूमत कनाडा भर में मजीद किराए के मकानात की तामीर में मदद के लिए एक नया कनाडा बिल्ड्स इकदाम शुरू करने का इरादा रखती है। प्रोग्राम का मकसद यह है कि सूबों और खितों को वफाकी कर्जों तक रसाई की इजाज़त दी जाए ताकि वो अपने बड़े हाउसिंग मनसूबे शुरू करें, जिसमें मजीद कम और ऊंचे अपार्टमेंट्स तैयार करना शामिल है जो मिडिल क्लास कैनेडियन बर्दाश्त कर सकते हैं। ट्रूडो ने कहा कि मंसूबे का मकसद इसमें मदद करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जहां काम करें वहां रह सकें। टोरंटो की मेयर ओलिविया चाओ ने कहा कि इसके शहर के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि वो पहले जवाब दहिंदगान, देखभाल करने वाले कारकुनों और नर्सों की खिदमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये मुनासिब नहीं है कि ऐसे नौजवान जिनके पास अच्छी नौकरी है वो रहने के लिए जगह नहीं दे सकते और एक दिन घर खरीदने के काबिल होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये वही है जिसे हम तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रूडो ने टोरंटो के ऐलान में कहा। 15 बिलियन डॉलर कर्ज का टॉप अप, जो कि अब घर बनाने वालों को कम लागत की माली आनंद फराहम करने वाला 55 बिलियन डॉलर का फंड होगा, जो अगली दहाई के अंदर 1,31,000 से ज्यादा नए अपार्टमेंट्स की तामीर के प्रोग्राम के मकसद की माली आनंद में मदद करेगा। कनाडा ने इसराइल से 7 रज़ाकारों की इसराइली बमबारी से हलाकत पर जामे तहकीकात का मुतालबा किया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा ने इसराइल से 7 रज़ाकारों की इसराइली बमबारी से हलाकत पर जामे तहकीकात का मुतालबा किया है। यह मुतालबा कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानी जूली की तरफ से सामने आया है। वो बर्सल्स में नेटो वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के मौके पर गुफ्तगू कर रही थी। वज़ीर ख़ारजा मेलानी जूली ने कहा, इसराइल को चाहिए कि वो बैन अल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करे। इस सिलसिले में कनाडा यकीनी बनाएगा कि इसराइल बैन अल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करे। टोरंटो में वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हुकाम ने इसराइली सफीर से बात की है कि दूसरों के साथ एक कैनेडियन अमरीकी इमदादी कारकुन की नाकाबिल कबूल मौत पर हमारी मायूसी का इजहार किया जाए। दुनिया को बहुत वाज़ह जवाबात की ज़रूरत है कि ये कैसे हुआ
इसराइल का कहना है कि 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत का फिजाई हमला एक गलती थी। अमरीका समेत इसराइल के बाद करीबी इतिहादियों ने मंगल को गजा में इसराइली फिजाई हमलों में गजा में 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत की मजम्मत की। पीर के रोज होने वाले हमले में 7 इमदादी कारकुन हलाक हुए, जिनमें 33 साल दोहरी अमरीकी कैनेडियन शहरी जैकब फ्लिंगर भी शामिल है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों गजा में गैर मुल्की NGO वर्ल्ड सेंट्रल किचन के लिए काम करने वाले 7 इमदादी कारकुनान इजरायली हमले में हलाक हो गए थे, जिनमें अमरीका, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, पोलैंड और फलस्तीन की शहरियत रखने वाले कारकुनान शामिल थे। ख्याल रहे इन 7 इमदादी कारकुनों में एक शहरी का ताल्लुक कैनेडा से है। ये कैनेडियन शहरी गजा में इमदादी सरगर्मियों के लिए अमरीकी इदारे वर्ल्ड सेंट्रल किचन के साथ काम करने के लिए आया था। टोरंटो और GTA के कुछ हिस्सों में मौसम का एक खास बयान हटा दिया गया, मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो और GTA के कुछ हिस्सों में मौसम का एक खास बयान हटा दिया गया। हालांकि यार्क, डरहम और हॉलटन पील के कुछ हिस्से बशमूल कैलेडन जुमेरात की सुबह सवेरे मौसम सरमा के सफरी एडवाइजरी के तहत रहे। टोरंटो में बुध के रोज तक 40 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हुई। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मौसम आबर आलूद रहा, जबकि मूसलाधार बारिश थम गई है। जुमेरात को तूफानी बारिशों और मिला जुला बारिश का गलबा रहेगा। शाम के वक्त रात गए तक गीली बर्फबारी मुमकिन है। आज ज्यादा से ज्यादा 3 सेंटीग्रेड की पेशगोई की गई है। हालांकि ये शहर में -2 सेंटीग्रेड की तरह महसूस होगा। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक हफ्ते और इतवार को टोरंटो में मजीद धूप के साथ 10 और 11 सेंटीग्रेड तक पहुंचने की पेशगोई की गई है। व्हाइट हाउस में मुसलमानों के मुकद्दस महीने रमजानुल मुबारक के दौरान इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। ताहम सदर जो बाइडन की इसराइल गजा जंग की पॉलिसी पर एहतजाज किया गया और मुसलमान बरदरी की तश्वीश उजागर की गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। व्हाइट हाउस में मुसलमानों के मुकद्दस महीने रमजान के दौरान इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। ताहम सदर जो बाइडन की इसराइल गजा जंग की पॉलिसी पर एहतजाज किया गया और मुसलमान बिरादरी की तश्वीश उजागर की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने इफ्तार डिनर से कबल अपनी इंतजामिया में शामिल सीनियर मुसलमान अहदेदारों के हमरा मुसलमान रहनुमाओं से मुलाकात की, जहां खातून अव्वल जिल बाइडन, नायब सदर कामला हैरिस और उनके शोहर भी मौजूद थे। ख्याल रहे कि मस्कूरा प्रोग्राम जो बाइडन की जानिब से गुज़िश्ता बरस मई में ईद के मौके पर दिए गए इशाइये से बिल्कुल मुख्तलिफ था, जब व्हाइट हाउस में दर्जनों शुरका ने बाइडन की तकरीर पर तालियां बजाई थीं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये आपका घर है। अमेरिका में मुसलमानों के लिए काम करने वाले ग्रुप का कहना था कि बाइडन के इस प्रोग्राम में शिरकत कम थी और इसकी वजह बाइडन की जानिब से इसराइल को मुसलसल गैर मशरूत फौजी इमदाद जारी रखना करार दिया। ग्रुप का कहना था कि जो बाइडन के इसी तआवुन की वजह से गजा में इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है और इंसानी बहरान जन्म ले चुका है। वाजह रहे कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में 1200 इसराइली मारे गए थे, जबकि इसराइल की जानिब से शुरू की गई वहशियाना कार्रवाइयों में गजा में अब तक 32,000 से ज़ायद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। हजारों जख्मी और लाखों बेघर हो चुके हैं। दूसरी जानिब अमरीका ने अक्वामे मुत्तहदा की सलामती कौंसल में जंगबंदी के लिए पेश की गई करारदादों को वीटो भी किया और साथ ही इसराइल की फौजी इमदाद भी जारी रखी। हालांकि इंसानी हकूक के मुतादित इदारों ने इसराइली कार्रवाइयों की नस्ल कुशी से ताबीर किया है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेजबान निमरा कवल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।